सभी को नमस्कार करती हूँ और मुझे इस काबिल समझा कि भाई आप लोगों के सामने कुछ पढ़ पाऊँ तो मेरा सौभाग्य। आज बेटियों का दिन है तो मैं बेटियों के लिए थोड़ा कुछ सुनाना चाहूँगी। बेटियों ने जब खुद की पहचान बनाने की है ठानी, मेहनत कर खुद को साबित करके ही हैं वो मानी। सारा संसार आज तुम्हें देखकर मंत्रमुग्ध है, जो तुम्हारी कामयाबी का अब जश्न मना रहे हैं। जो रोकते थे तुम्हें कि तुम हो नाजुक और कमज़ोर, हमारे घर की बेटी हो पर जाना है तुम्हें कहीं और। कौन तुम्हें अपनाएगा जो तुम बाहर जाओगी, ताने मार मार कर ये दुनिया हमें समझाएगी। लेकिन तुमने अब अपनी जो पहचान बना ली है, लगता है अब सबको बेटी मेरी भाग्यशाली है। कामयाबी मिलते ही सब गिले शिकवे मिट जाते हैं। अपनी बेटियों के लिए सपने फिर सजाए जाते हैं। साक्षी, सिंधु और दीपा ने राह सभी की खोली है। कितनी ही बेटियां अब इनके जैसे बनने वाली हैं। उड़ने दो मत रोको इन्हें, हौसलों के पंख दे दो। नाम करें ये ऊंचा सबका, ये आशीर्वाद इन्हें दे दो। अगली सदी का करें नेतृत्व, ऐसा सम्मान इन्हें दे दो। सभी जगह छा जाएं, इतना अधिकार इन्हें दे दो। जिद करो और दुनिया बदलो, कि समझ जिसे भी आई है उसने ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेहनत से अपनी किस्मत को जब इसने चमकाया है, सारी दुनिया में अपनी जीत का परचम लहराया है। दूसरा एक पढ़ना चाहूँगी मैं, जो अपना चाइना पे एक हुआ था, उस वक्त मैंने लिखा था, अटैक हुआ था जो, सरहद के रखवालों के लिए माँ के मन की बात। काले गहरे बादलों ने आसमान पर डेरा डाला है, हिफाजत में अपनी बरसाती सदा साथ रखना। पलक झपकते ही तड़ित अपना रोष दिखाएगी, खुली आँख से सोना मगर उस पर नज़र सदा रखना। गहरे घने कानन जहरीले नाग फन फैलाए बैठे हैं, आहट पर उनकी चौकन्ने तुम अपने कान सदा रखना। उठे जो हाथ दुश्मन के माँ भारत की आन पर, काटने को उनको बाजुओं में ताकत सदा रखना। हिफाजत वतन की करने में आएंगी बाधाएं बहुत, हिमालय से अड़िग तुम अपने हौसले सदा रखना। मन जब भी विचलित होने लगे, थकने लगे कदम तुम्हारे, याद करना माँ को और दुआएं उसकी अपनी सदा साथ रखना। धन्यवाद आप सबका।